इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर एक सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई कैविटी बना दो, है ना। कैविटी मतलब जैसे मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कि एक सॉलिड स्फीयर है बड़ा ये, जिसका रेडियस है आर, है ना। तो इसकी वजह से इसके अंदर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, ई वन पी। ई वन पी यानी वन की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, तो वो होगी। आपको पता है कि डायरेक्शन भी तो ऐसे ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो वो होगी रो आर, आर यानी ये डिस्टेंस, ओपी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगी रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये छोटा स्फेयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ऑब्वियसली छोटा है तो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, इसको 2 नाम दिया है। और ये जो छोटा स्फेयर है इस पे भी सेम चार्ज डेंसिटी है रो, इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इसकी वजह से होगी, डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा, और वो होगी रो ओ डैश पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने ये छोटा स्फेयर ना बड़े वाले स्फेयर में से काट के निकाल लिया और रिजल्टेंट बना ये 3। यानी अगर बड़े स्फेयर में से जिसका रेडियस आर था उसमें से ये छोटा स्फेयर काट के निकाल लूँ अलग, है ना, तो ये बन गई स्फेरिकल कैविटी। और दोनों के सेंटर के बीच, बड़े वाले स्फेयर का सेंटर ओ और छोटे वाले स्फेयर के सेंटर ओ डैश के बीच की दूरी ए है, तो दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी ए है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पी पे लिखनी है, किसकी वजह से, ये जो रिजल्टेंट कैविटी के साथ असिमेट्रिकल स्फेयर बनाए इसकी वजह से, 3 की वजह से, जो स्फेयर 3 है इसकी वजह से जिसमें कैविटी है। तो बेटा वही कंसेप्ट है इसका सिंपल, कि जो स्फेयर 3 है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पी पे वो होगी 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो, -2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो। माइनस क्यों किया, क्योंकि 1 में से 2 को निकालने के बाद ही तो 3 बना है, तो 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे होगी ई1 पी माइनस ई2 पी। तो ई1 पी कितना है, ई1 पी है रो ओ पी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई2 पी कितना है रो ओ डैश पी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर मैं कॉमन ले लूं यहां पे लिखता हूं कि E3P हो जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ओ पी माइनस ओ डैश पी। और अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे, ट्रायंगल ओ पी ओ डैश में, ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, जैसे ये वेक्टर हो गया ओ पी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया ओ पी ओ डैश पी वेक्टर, है ना। तो और ये वेक्टर हो गया ओ ओ डैश वेक्टर, तो आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ इन
ट्राइंगल ओ पी ओ डैश। तो वो ये लॉ ये बोलता है कि ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ पी, सही है। तो ओ ओ डैश कितना हो गया, ओ ओ डैश हो गया ओ पी माइनस ओ डैश पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पी पे नेट, रो ओ ओ डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब है कि अगर एक ये सॉलिड स्फीयर है जिसमें ये कैविटी बना दी है, तो जो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है, है ना, मतलब कांस्टेंट होती है डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। और कितनी होती है, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वेक्टर फॉर्म में वो आ रही थी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश। तो बेटा ओ ओ डैश कितना है, ए ही तो है और डायरेक्शन भी ओ से ओ डैश की तरफ आ रही है, तो ओ से ओ डैश की तरफ डायरेक्शन भी तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर में किसी भी पॉइंट पे, हमने पी पॉइंट पे निकाली थी तो वहां पे भी ऐसे ही होगी, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर ये प्लस है तो, अगर ये माइनस होता तो राइट टू लेफ्ट पीछे की तरफ। और कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा दोनों स्फीयर के सेंटर्स के बीच की दूरी तो फिक्स है ना, फिक्स है ना, चेंज थोड़ी हो रही है। और अगर ये कॉन्सेंट्रिक होते तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, जीरो, ये कहना चाहता था मैं।